हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज गौरी। सो इस वीडियो में मैं आप सभी को बीबीएयू पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2023, इसमें जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सेक्शन है वो सिखाने जा रही हूँ। एंड इन टुडेज लेक्चर में आप सभी को फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च के बारे में सिखाऊंगी बाई यूजिंग एमसीक्यूज। एंड दैट्स वाई आफ्टर व्यूइंग दिस वीडियो आप सभी के जो कॉन्सेप्ट है रिलेवेंट टू फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च वो क्लियर हो जाएंगे। बट फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट्स है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। सो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करती है। बिकॉज बीबीएयू पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में 50% एमसीक्यूज आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन के ऊपर पूछे जाते हैं। एंड दैट्स वाई विद द हेल्प ऑफ दिस कोर्स आप सभी लोग गारंटीड पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हो। बिकॉज इसकी मदद से आप सभी लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो इन दिस कोर्स आप सभी को फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं जिसमें थियोरीज एंड एमसीक्यूज दोनों भी है। आपको इसमें फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट भी मिलते हैं। बेसिकली हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेंस 40 एमसीक्यूज एंड दैट्स व्हाई ओवरऑल आपके इसमें 400 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। आपको इसमें 1500 से भी ज्यादा एमसीक्यूज रिविजन पीडीएफ मिलता है, जिस रिविजन पीडीएफ की मदद से आप सभी लोग एक ही रिविजन पीडीएफ में सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हो। एंड गारंटीड आपको 80% एमसीक्यूज यहाँ से ही मिलते हैं आउट ऑफ 100% एमसीक्यूज इन रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। एंड ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कंप्लीट कोर्स को परचेस करना है देन ईदर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड द कोर्स फीस आर ओनली 699 रुपीज, वो बहुत ही कम है। एंड इन कम फीस में ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रोवाइड करती है ताकि आप बीबीएयू यहाँ पे पीएचडी के लिए आसानी से एडमिशन ले सके। एंड एज वेल ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को 100% पासिंग गारंटी भी प्रोवाइड करती है कि आप गारंटीड पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर सको। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडे सेशन नाउ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च फोकसेस ऑन एनहांसिंग द कॉर्पस ऑफ नॉलेज इन अ गिवन फील्ड। सो इनमें से कौन सा रिसर्च टाइप ऐसा है जो बेसिकली फोकस करता है ताकि हम किसी भी फील्ड का जो नॉलेज है उसको एनहांस कर सके। बेसिकली कॉर्पस का मतलब होता है कि कोश, मतलब किसी भी नॉलेज का जो कोश है, ओके, उसको हम लोग बढ़ा सके इन एनी काइंड ऑफ गिवन फील्ड। सो वेदर इट इज़ एक्शन रिसर्च, वेदर इट इज़ अप्लाइड रिसर्च, और वेदर इट इज़ इवैल्यूएटिव रिसर्च, और वेदर इट इज़ फंडामेंटल रिसर्च। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरी रिसर्च टाइप ओवर हियर। सो सबसे पहले है एक्शन रिसर्च। सो स्टूडेंट्स, एक्शन रिसर्च एक ऐसा रिसर्च है जिसका इस्तेमाल मोस्ट ऑफ द पीपल ये एजुकेशन फील्ड में करते हैं ताकि वो लर्निंग प्रोसेस को स्टडी कर सके। बिकॉज लर्निंग प्रोसेस को स्टडी करने के लिए वहाँ पे एक्शन लेने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। एंड दैट्स वाई एक्शन रिसर्च ये बेसिकली जो इमीडिएट प्रॉब्लम्स होते हैं उनको इमीडिएटली सॉल्व करने के लिए किया जाता है। एंड दैट्स वाई एक्शन रिसर्च फॉलोज अ साइक्लिक पाथ, जिसमें सबसे पहले हम लोग प्लान करते हैं, देन आफ्टर दैट हम लोग एक्ट करते हैं यानी कि एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर दैट हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, एंड देन आफ्टर वी रिफ्लेक्ट, मतलब ऑब्जर्व करने के बाद उस ऑब्जर्वेशन के ऊपर हम लोग रिजल्ट्स बनाते हैं, या फिर यू कैन से कि ऑब्जर्वेशंस को हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं, एंड अगेन हम लोग प्लान करते हैं, एक्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। सो ऐसा जो साइकिल है वो एक्शन रिसर्च में शुरू रहता है। सेकेंड इज अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च या एक्शन रिसर्च का ही एक सब टाइप है, बट इन दोनों में एक ही डिफरेंस है, एंड वो है कि अप्लाइड रिसर्च में हम लोग प्रिंसिपल्स या फिर लॉज या फिर थियोरीज को हमारे रिसर्च में अप्लाई करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे एक्शन के लिए लॉज या फिर प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाता है। ओके, इवैल्यूएटिव रिसर्च में बेसिकली इवैल्यूएशन किया जाता है,
ओके सो यहाँ पे हम लोग सिस्टमैटिक असेसमेंट करते हैं. सो किन चीज़ों की यहाँ पे सिस्टमैटिक असेसमेंट होती है, जैसे कि देखो वर्थ ऑफ द टाइम और मेरिट ऑफ टाइम, या फिर मनी का इवैल्यूएशन आप यहाँ पे कर सकते हो, एफर्ट्स का इवैल्यूएशन कर सकते हो, रिसोर्सेज का भी इवैल्यूएशन कर सकते हो. ओके सो इन सारे चीज़ों को जब भी हम लोग इवैल्यूएट करते हैं देन हमें वहाँ से हमें एक प्रॉपर गोल मिलता है. ओके एंड दैट्स वेयर जिन चीज़ों की मदद से हमें प्रॉपर गोल मिलता है उन चीज़ों को असिस्ट करने के लिए या फिर उन चीज़ों को इवैल्यूएट करने के लिए इवैल्यूएटिव रिसर्च का इस्तेमाल किया जाता है. एंड नाउ द लास्ट वन इज फंडामेंटल रिसर्च विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बेसिक रिसर्च और प्योर रिसर्च. सो इस रिसर्च की मदद से हम सभी लोग इधर थियोरी को बिल्ड या फिर इम्प्रूव कर सकते हैं. And as well, it makes specific contribution to academic body of knowledge by adding principles and laws in research area. So, fundamental research की मदद से हम सभी लोग academic area में जितना भी कुछ knowledge है वो basically हम लोग improve करते हैं. ओके एंड दैट्स वाई इसमें हम लोग एक्चुअली जो लॉज होते हैं प्रिंसिपल्स होते हैं वो यहाँ पे बना के हम लोग एकेडमिक जो फील्ड है इसमें हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं. एंड दैट्स वाई देखो फंडामेंटल रिसर्च एक ऐसा रिसर्च है बेसिकली इट फोकसेस ऑन एनहांसिंग द कॉर्पस ऑफ नॉलेज इन अ गिवन फील्ड. एंड दैट्स वाई इस क्वेश्चन का आंसर है 4 विच इज फंडामेंटल रिसर्च. If the purpose of the research is for theory building, then it is a. Now ये बहुत ही easy question है. यहाँ पे पूछा है कि किसी भी research का purpose अगर ये है कि हम लोग theory को build कर सके, then उस research को क्या कहा जाता है? Whether हम इसको action research कहते हैं, या फिर historical research कहते हैं, या फिर fundamental research, या फिर applied research. जैसे हमने पिछले question में देखा था कि fundamental research is the research which aims at थियरी फॉर्मेशन और थियरी बिल्डिंग, राइट. एंड दैट्स वाई फंडामेंटल रिसर्च का यही एक पर्पज़ होता है कि हम सभी लोग थियरी को फॉर्मुलेट कर सके. एंड दैट्स वाई इस क्वेश्चन का आंसर है फंडामेंटल रिसर्च. एंड हम सभी ने देखा एग्जैक्टली वॉट इज एक्शन रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च. नाउ लेट अस सी हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है. सो हिस्टोरिकल रिसर्च एज द नेम सजेस्ट बेसिकली इसमें हम सभी लोग पास्ट इवेंट्स को स्टडी करते हैं ताकि उनकी मदद से हम लोग फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सके एंड एज वेल हम लोग प्रेजेंट को प्रेडिक्ट कर सके. ओके सो हिस्टोरिकल रिसर्च में काफ़ी सारे पास्ट इवेंट्स के ऊपर स्टडी किया जाता है एज वेल जो आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स है उनके ऊपर भी यहाँ पे स्टडी किया जाता है एंड एज वेल जितने भी पास्ट में लिटरेचर्स हुआ करते थे उसके ऊपर स्टडी किया जाता है एंड जो रिकॉर्डेड पिक्चर्स या फिर वीडियोस रहते हैं पास के उनको भी यहाँ पे यूज करके उनके उनके ऊपर स्टडी किया जाता है. एंड दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज 3 ओवर हियर विच इज फंडामेंटल रिसर्च. नेक्स्ट न्यूटन गेव 3 बेसिक लॉज ऑफ मोशन. नाउ दिस रिसर्च इज कैटेगराइज एज. नाउ न्यूटन ने जो 3 बेसिक लॉज ऑफ मोशन दिए थे एंड हम सभी को वो लॉज पता है बिकॉज वी हैव स्टडीड देम इन आर स्कूल्स. सो न्यूटन ने जो रिसर्च किया था जिसमें उन्होंने 3 बेसिक लॉज ऑफ मोशन हमें दिए थे सो उस प्रकार के रिसर्च को क्या कहा जाता है और वो बेसिकली किस टाइप ऑफ रिसर्च में आता है. सो वेदर वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आता है या फिर सैम्पल सर्वे में आता है या फिर फंडामेंटल रिसर्च में आता है या फिर अप्लाइड रिसर्च में आता है. सो न्यूटन इन्होंने हमें 3 बेसिक ऑफ लॉज मोशन दिए. सो बेसिकली हमें इन्होंने लॉज प्रोवाइड किए, राइट. एंड लॉज आर नथिंग बट व्हाट द बेसिक प्रिंसिपल्स. सो लॉज में बेसिकली न्यूटन इन्होंने थियरी को फॉर्मुलेट किया, राइट. एंड इनमें से सिर्फ फंडामेंटल रिसर्च ऐसा है जिसमें हम लोग थियोरी को फॉर्मुलेट करते हैं, राइट. एंड दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर वुड बी फंडामेंटल रिसर्च. ओके एंड ऑल ऑफ वी नो दैट एग्जैक्टली व्हाट इज अप्लाइड रिसर्च. नाउ लेट अस सी डिस्क्रिप्टिव एंड सैम्पल सर्वे क्या है. सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एज द नेम सजेस्ट डिस्क्रिप्टिव. सो इसमें जितने भी सारे इंसिडेंट्स पर्सन्स या फिर ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनको डिस्क्राइब किया जाता है. सो उसके लिए जो रिसर्च किया जाता है उसको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहा जाता है. ओके एंड सैम्पल सर्वे एज द नेम सजेस्ट सैम्पल सर्वे. सो यहाँ पे
बेसिकली हम लोगों के जो ओपिनियंस होते हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं, एंड दैट्स वाई इसके लिए सर्वे लिया जाता है. सर्वे इज नथिंग बट कि हम सभी लोग क्वेश्चंस रिस्पोंडेंट्स को पूछते हैं एंड रिस्पोंडेंट्स हमें रिस्पॉन्सेस प्रोवाइड करते हैं. एंड सर्वे के काफ़ी सारे टाइप्स है, जैसे कि फ़ोन सर्वे है, देन यू नो फेस टू फेस इंटरव्यू सर्वेज भी होते हैं, एज वेल इंटरनेट पे भी सर्वेज अवेलेबल होते हैं. सो देर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ सैम्पल सर्विस, ओके, जो मैंने आप सभी को बताए. एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 3, विच इज़ फंडामेंटल रिसर्च, जिसमें बेसिकली थियरीज को फॉर्मुलेट किया जाता है. जैसे कि न्यूटन, इन्होंने हमें 3 बेसिक लॉज ऑफ मोशन प्रोवाइड किए. ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द यू नो कॉमनली यूज्ड बिब्लियोग्राफी डेटाबेस. सो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस प्रोवाइड किए हैं, एंड इनमें से कौन सा बिब्लियोग्राफी डेटाबेस है जिनको हम कॉमनली यूज करते हैं. सो स्टूडेंट्स, लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंट ऑप्शंस. ESIC, देन सिनाहल, देन एडसिन एंड कैन स्लिट. सो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल कि एग्जैक्टली बिब्लियोग्राफी डेटाबेस होता क्या है. डेटाबेस यानी कि यू नो इसमें काफ़ी सारा डेटा होता है, एंड बिब्लियोग्राफी यानी कि जो रेफरेंसेस हम लोग रेफर करते हैं फॉर आर रिसर्च, एंड एज वेल जो बुक्स बेसिकली हम लोग रेफर करते हैं फॉर आर रिसर्च. सो ये इन दोनों को भी मिला के जो डेटाबेस तैयार होता है उसे बिब्लियोग्राफी डेटाबेस कहा जाता है. एंड बेसिकली ये डेटाबेस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होता है. इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट यानी कि यू नो ये डेटाबेस हमें यू नो ऑनलाइन मोड से मिलता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली मिलता है, जैसे कि इंटरनेट पे, और यू कैन से किसी भी प्रकार के वेबसाइट से मिलता है. सो इनमें से द करेक्ट आंसर इज बेसिकली सिन्हाल, बिकॉज सिन्हाल ये एक इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस है जिसका फुल फॉर्म है क्यूम्यूलेटिव इंडेक्स नर्सिंग अलाइड हेल्थ लिटरेचर. ओके, लिटरेचर. एंड ये जो डेटाबेस है ये बेसिकली नर्सिंग एरियाज में काफ़ी यूज किया जाता है. सो आई विल डिस्क्राइब यू अबाउट दिस इन शॉर्ट टर्म्स. सो बेसिकली दिस इज द लिटरेचर विच इज रिलेटेड टू नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ डिसिप्लिन्स, इंक्लूडिंग मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड फिजिकल एंड ऑक्यूपेशनल थियरी अवेलेबल इन दिस डेटाबेस. सो ये जो डेटाबेस है इसका इस्तेमाल बेसिकली नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज में किया जाता है, एंड इसमें हम सभी को काफ़ी सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स मिलेंगे, एज वेल हमें फिजिकल रिकॉर्ड्स मिलेंगे, मतलब फिजिकल रिकॉर्ड्स विच आर रिलेवेंट टू मेडिकल फील्ड वो मिलेंगे हमें, देन ऑक्यूपेशनल थियरी थेरेपी के यू नो रिलेवेंट जितने भी सारे रिकॉर्ड्स है वो भी इसमें हम सभी को मिलेंगे. एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2, विच इज सिन्हाल. ओके, जो कि एक कॉमनली यूज बिब्लियोग्राफी डेटाबेस है. नेक्स्ट इज साइंटिफिक रिसर्च हैज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ एक्सप्लेनिंग एनी फेनोमिनन बाय. सो साइंटिफिक रिसर्च का यू नो एक अल्टीमेट गोल होता है कि वो हम सभी को किसी भी प्रकार के फेनोमिनन को एक्सप्लेन कर सके बाय द यूज ऑफ व्हाट, वेदर कंडीशनल लॉज की मदद से या फिर लॉ ऑफ यूनिकनेस की मदद से या फिर लॉज ऑफ इंट्यूशन की मदद से या फिर लॉज ऑफ जनरलाइजेशन की मदद से. जैसे कि हम सभी ने कल के ही सेशन में देखा था कि साइंटिफिक रिसर्च फॉलोज द साइंटिफिक मेथड, एंड साइंटिफिक मेथड में काफ़ी सारे सिस्टमैटिक स्टेप्स होते हैं, राइट, एंड दैट्स वाई जो हमारा जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है कि हम सभी लोग रिजल्ट्स जब भी हमारे बनते हैं, राइट, देन आफ्टर दैट हम सभी लोग उनको कंक्लूड करते हैं. सो और एक बात ये है कि यू नो बेसिकली सभी रिसर्चर टारगेट पॉपुलेशन को टारगेट करना चाहता है, एंड टारगेट पॉपुलेशन में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड दैट्स वाई हम सभी लोग क्या करते हैं कि टारगेट पॉपुलेशन से यू नो स्मॉल नंबर ऑफ सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं एंड उनके ऊपर हम लोग स्टडी करते हैं. एंड जब भी हमें यू नो एंड में जब भी हमें रिजल्ट्स मिलते हैं देन वो रिजल्ट्स हम लोग टारगेट पॉपुलेशन पे लगाते हैं. सो इस प्रकार के यू नो प्रोसीजर को बेसिकली जनरलाइजेशन कहा जाता है, एंड दैट्स वाई साइंटिफिक रिसर्च का जो अल्टीमेट गोल होता है वो यही होता है कि वो किसी भी फेनोमिनन को लॉज ऑफ जनरलाइजेशन के थ्रू हम सभी को एक्सप्लेन कर सके. एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज लॉज ऑफ जनरलाइजेशन. ओके,
लॉज ऑफ इंट्यूशन का मतलब होता है कि जो हमारे गट फीलिंग्स होते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, सो दिस इज नथिंग बट द लॉ ऑफ इंट्यूशन. एंड लॉ ऑफ इंट्यूशन ये बेसिकली किसी भी एविडेंस के आधार पर नहीं होता है, बट साइंटिफिक रिसर्च ये एविडेंस के आधार पर होता है. एंड दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन गेट्स एलिमिनेटेड. लॉज ऑफ यूनिकनेस यानी कि यूनिकनेस होना, राइट. एंड एवरी साइंटिफिक रिसर्च इज यूनिक, ओके, बट इसका अल्टीमेट गोल ये नहीं होता है कि यूनिकनेस के आधार पर फेनोमिनन को एक्सप्लेन करे. बेसिकली हम सभी लोग एविडेंस के आधार पर, ऑब्जर्वेशंस, देन मेजरमेंट्स, जनरलाइजेशन, इन चीज़ों के आधार पर बेसिकली हम साइंटिफिक रिसर्च में फेनोमिनन को एक्सप्लेन करते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ द यूनिकनेस. सो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. एंड वॉट आर एग्जैक्टली द कंडीशनल लॉज, ओके. सो कंडीशनल लॉज का मतलब होता है कि कंडीशन इन लॉजिक दैट नीड्स टू बी सैटिस्फाइड. मतलब कोई भी लॉजिकली कंडीशन होती है, सो वो कंडीशन बेसिकली सैटिस्फाई होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉजिक, उसे कंडीशनल लॉज कहा जाता है. एंड इट फाइंड्स द कोरिलेशन ऑफ इवेंट्स. अगर किसी भी इवेंट्स के बारे में अगर हम लोग स्टडी करते हैं, देन उन इवेंट्स के बीच में क्या कोरिलेशन है, ओके, उसको अगर हमें फाइंड आउट करना है, देन वी कैन फाइंड आउट इट बाय यूजिंग कंडीशनल लॉज. एंड दैट्स व्हाई हियर द करेक्ट आंसर इज 4, दैट इज लॉज ऑफ जनरलाइजेशन. इफ अ रिसर्चर कंडक्ट्स अ रिसर्च ऑन फाइंडिंग आउट विच एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर टू इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस, दिस विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ, ओके. अगर कोई भी रिसर्चर रिसर्च कंडक्ट करता है एंड उस रिसर्च में अगर उसको फाइंड आउट करना है एग्जैक्टली कि कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल, ओके, ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा इंस्टीट्यूशन के इफेक्टिवनेस को, ओके. सो इस प्रकार के रिसर्च को करने के लिए वो रिसर्चर इनमें से कौन सा रिसर्च टाइप फॉलो करेगा, वेदर वो बेसिक रिसर्च फॉलो करेगा या फिर एक्शन रिसर्च फॉलो करेगा या फिर अप्लाइड रिसर्च फॉलो करेगा या फिर नन ऑफ द अबव. सो स्टूडेंट्स, बेसिक रिसर्च यानी कि फंडामेंटल रिसर्च जो कि हमने अभी देखा व्हाट इज दैट. सो फंडामेंटल रिसर्च में बेसिकली नॉलेज को क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है या फिर थियोरी को फॉर्मुलेट किया जाता है. बट इस रिसर्च में रिसर्चर को किसी भी प्रकार के थियोरी को फॉर्मुलेट नहीं करना है. बेसिकली यहाँ पे उसको जानना है कि कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल ज़्यादा इंस्टीट्यूशन के इफेक्टिवनेस को कॉन्ट्रीब्यूट करेगा. दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग या फिर वो रिसर्चर बेसिक रिसर्च नहीं कर सकता है. एक्शन रिसर्च ये बेसिकली क्लासरूम टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसीजर में यूज़ किया जाता है, जिसमें टीचर इमीडिएट प्रॉब्लम्स के ऊपर सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग एक्शन रिसर्च. एंड यहाँ पे कोई भी क्लासरूम सिचुएशन है नहीं, यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार के साइकिल प्रोसीजर की ज़रूरत है नहीं, जैसे कि प्लान करो, एक्ट करो, ऑब्जर्व करो, रिफ्लेक्ट करो, राइट. सो ये भी एलिमिनेट हो गया. सो द रिमेनिंग ऑप्शन इज अप्लाइड रिसर्च. सो दिस शुड बी योर करेक्ट आंसर, बिकॉज यहाँ पे अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल का जो कंट्रीब्यूशन है वो इंस्टीट्यूशन के इफेक्टिवनेस के लिए कितना ज़्यादा है इसके बारे में स्टडी करना है, देन ऑब्वियसली यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की थियरी को अप्लाई करना पड़ेगा फॉर योर स्टडी, ओके. एंड दैट्स व्हाई इसमें ये पर्टिकुलर रिसर्चर अप्लाइड रिसर्च का इस्तेमाल करेगा. सो योर करेक्ट आंसर शुड बी अप्लाइड रिसर्च, ओके. नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आर यूज्ड इन. सो फंडामेंटल रिसर्च के जो प्रिंसिपल्स है वो हम सभी लोग किस प्रकार के रिसर्च में यूज करते हैं, वेदर एक्शन रिसर्च या फिर अप्लाइड रिसर्च या फिर फिलोसॉफिकल रिसर्च या फिर हिस्टोरिकल रिसर्च, ओके. सो हम सभी ने देखा कि एग्जैक्टली फंडामेंटल रिसर्च होता क्या है. सो फंडामेंटल रिसर्च में हम प्रिंसिपल्स, लॉज या फिर थियोरीज को फॉर्मुलेट करते हैं. सो इन्हीं प्रिंसिपल्स, लॉज या फिर थियोरीज को हम किस प्रकार के रिसर्च में यूज़ करते हैं. सो ऑब्वियसली ये बहुत इजी क्वेश्चन है. सो योर करेक्ट आंसर शुड बी अप्लाइड रिसर्च. जैसे कि हमने देखा ना कि अप्लाइड रिसर्च में लॉज, प्रिंसिपल्स या फिर थियोरीज को अप्लाई किया जाता है ऑफ फॉर डूइंग द रिसर्च, राइट. एंड यही यहाँ पे एग्जैक्टली आपको पूछा है. एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी अप्लाइड रिसर्च. एंड आप सभी को अभी पता चल गया होगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज एक्शन रिसर्च, राइट. सो ये ऑप्शन तो यहाँ पे एलिमिनेट हो गया.
हिस्टोरिकल रिसर्च भी हमने देखा, व्हाट इज दैट, ये भी एलिमिनेट हो गया. नाउ लेट अस सी व्हाट इज फिलोसॉफिकल रिसर्च. एज द नेम सजेस्ट, फिलोसॉफिकल. सो इसमें बेसिकली कोई भी टर्म हो या फिर कॉन्सेप्ट हो या फिर थियरी हो, उसके पीछे का जो रीजन है या फिर कॉज है, व्हाट इज दैट, अगर हमें उसको जानना है, देन फॉर दैट पर्पस हम लोग फिलोसॉफिकल रिसर्च करते हैं. सो किसी भी कॉन्सेप्ट के पीछे की फिलोसॉफी क्या है, ओके, उसको जानने के लिए बेसिकली फिलोसॉफिकल रिसर्च किया जाता है, राइट. एंड दैट्स वाई ये भी इनकरेक्ट है. एंड दैट्स वाई देखो, फिलोसॉफिकल रिसर्च में भी कई बार थियोरी को फॉर्मुलेट किया जाता है, ओके. एंड दैट्स वाई ये भी ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो गया. सो योर करेक्ट आंसर शुड बी टू, दैट इज अप्लाइड रिसर्च. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च फॉर्म्स एम्स प्राइमरीली एट पुटिंग टू यूज द थियोरेटिकल एडवांसेस विथ एन आई ऑन एक्सप्लोरिंग द पोटेंशियल फॉर जनरलाइजेबिलिटी. सो इनमें से कौन सा रिसर्च टाइप ऐसा है जिसका एम ये है कि वो प्राइमरीली थियोरेटिकल एडवांसेस जो है उनको उनके रिसर्च में अप्लाई करे, एंड एज वेल वो जो जनरलाइजेबिलिटी है उसको भी एक्सप्लोर कर सके. ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज दिस. सो जनरलाइजेबिलिटी को एक्सप्लोर करना, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप रिसर्च कर रहे हो एंड आपको रिजल्ट्स मिले हैं, सो बेसिकली वो रिजल्ट्स आप स्टडी के बाहर के सिचुएशंस को कितने एक्सटेंट तक जनरलाइज कर सकते हो या फिर मैचअप कर सकते हो. ओके, दिस इज नथिंग बट एक्सप्लोरिंग द पोटेंशियल फॉर जनरलाइजेबिलिटी. सो ये दोनों भी चीज़ें बेसिकली कौन से रिसर्च में होती है, यानी कि थियोरेटिकल एडवांसेस को अप्लाई करना एंड एज वेल जनरलाइजेबिलिटी के पोटेंशियल को भी एक्सप्लोर करना. सो बेसिकली ये चीज़ें फंडामेंटल रिसर्च में होती है क्या, या फिर इवैल्यूएटिव रिसर्च में होती है, या फिर एक्शन रिसर्च में होती है, या फिर अप्लाइड रिसर्च. सो देखो, हम लोग तो थियरी को फॉर्मुलेट करते हैं फंडामेंटल रिसर्च में, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे तो थियोरेटिकल एडवांसेस को अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है. सो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. इवैल्यूएटिव रिसर्च में क्या किया जाता है, इसमें बेसिकली चीज़ों को असिस किया जाता है, जिन चीज़ों के लिए हमारे गोल्स होते हैं, जैसे कि टाइम, मनी, राइट. सो इन चीज़ों को बेसिकली क्या किया जाता है, यहाँ पे स्कोर किया जाता है कि कितना ज़्यादा है कितना कम है, मतलब इवैल्यूएशन किया जाता है. सो यहाँ पे किसी भी प्रकार का इवैल्यूएशन नहीं हो रहा है, सो दिस गेट्स एलिमिनेटेड. एक्शन रिसर्च, ये मेनली क्लासरूम में टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एंड यहाँ पे किसी भी प्रकार का टीचिंग एंड लर्निंग क्लासरूम प्रोसीजर है नहीं. सो ये भी एलिमिनेट हो गया. सो बचा हुआ ऑप्शन है अप्लाइड रिसर्च. सो ये आपका सही आंसर है, बिकॉज अप्लाइड रिसर्च में हम वैसे भी थियोरीज को अप्लाई करते हैं, एंड एज वेल अप्लाइड रिसर्च में जनरलाइजेबिलिटी का पोटेंशियल क्या है इसको भी एक्सप्लोर किया जा सकता है. ओके, सो योर करेक्ट आंसर शुड बी 4, दैट इज अप्लाइड रिसर्च. नेक्स्ट इज, ऑन वॉट इज द सोशल रिसर्च फंक्शन ऑफ द साइंटिफिक मेथड नॉट बेस्ड. सो इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसके ऊपर सोशल रिसर्च फंक्शन ऑफ द साइंटिफिक मेथड डिपेंड नहीं है. सो वेदर इट इज थिंकिंग और टेस्टिंग और एक्सपेरिमेंट और रैशनैलिटी. ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, टेस्टिंग. सो देखो, रिसर्च में तो हम सभी लोग टेस्टिंग करते हैं, जैसे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग, राइट. सो विदाउट हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमें प्रॉपर एविडेंसेस नहीं मिलते हैं, एंड दैट्स वाई हमें ऑथेंटिकेट रिजल्ट्स भी नहीं मिलते हैं. एंड दैट्स वाई जो सोशल साइंस रिसर्च हो या फिर किसी भी प्रकार का रिसर्च हो, ओके, सो उसमें तो हम लोग साइंटिफिक मेथड्स वैसे भी यूज करते ही है, एंड जैसे साइंटिफिक मेथड्स है एंड दैट्स वाई उसमें टेस्टिंग है, दैट्स वाई साइंटिफिक मेथड टेस्टिंग के ऊपर डिपेंड रहती है. सो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, बिकॉज नॉट बेस्ड पूछा है, राइट. एक्सपेरिमेंट्स तो हम लोग वैसे भी करते हैं, जैसे कि देखो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, वी डू इट. एंड देखो यहाँ पे अगर सोशल साइंस रिसर्च है, बट फिर भी सोशल साइंस रिसर्च में भी कभी कभार एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का इस्तेमाल किया जाता है. ओके, दो सोशल साइंस रिसर्च एक क्वालिटेटिव रिसर्च है, बट फिर भी किया जा सकता है, करते हैं एक्चुअली.
सो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। रैशनैलिटी का मतलब होता है कि इन अकॉर्डेंस विथ लॉजिक। देखो लॉजिक तो हम लोग यहाँ पे यूज करते ही है, बिकॉज विदाउट लॉजिक यू कांट यू नो कंक्लूड द रिजल्ट्स ऑफ योर रिसर्च। सो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सो बचा हुआ ऑप्शन है थिंकिंग, एंड दैट्स वाई जो साइंटिफिक मेथड है ओके सोशल रिसर्च फंक्शन का, वो बेसिकली थिंकिंग के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, बिकॉज थिंकिंग यानी कि योर गट फीलिंग वेदर इट इज़ राइट और यू नो रॉन्ग राइट, एंड इसके लिए हमारे पास प्रॉपर एविडेंस भी नहीं होता है, एंड दैट्स वाई हम इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं रहते। सो द करेक्ट आंसर इज वन, दैट इज थिंकिंग। द नेक्स्ट इज द रिसर्च दैट अप्लाइज द लॉज एट द टाइम ऑफ फील्ड स्टडी टू ड्रॉ मोर एंड मोर क्लियर आइडियाज अबाउट द प्रॉब्लम इज डैश। सो इनमें से कौन सा रिसर्च ऐसा है जिसमें हम सभी लोग लॉज को अप्लाई करते हैं एट द टाइम ऑफ फील्ड स्टडी, ताकि हम सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज है अबाउट द प्रॉब्लम उनको जान सके। सो वेदर इट इज़ अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च और को रिलेशनल स्टडीज़। सो नाउ ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दैट कि किसी भी रिसर्च में अगर हम सभी लोग लॉज को अप्लाई करते हैं ताकि हम प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस को फाइंड आउट कर सके, देन उस प्रकार के रिसर्च को अप्लाइड रिसर्च कहा जाता है राइट, एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी वन, दैट इज अप्लाइड रिसर्च। एंड आई होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड एग्जैक्टली वॉट इज एक्शन रिसर्च। Now let us go for explanatory research. So as the name suggests, explanatory research. So explanatory research हम सभी को exactly in detail explain करता है कि exactly what is the relationship between the variables under study. मतलब जिन variables के ऊपर आप study करना चाहते हो उन variables के बीच में exactly क्या relationship है, ये एक्चुअली एक्सप्लेनेटरी रिसर्च एक्सप्लेन करता है इन डिटेल ओके। एंड कोरिलेशनल स्टडीज ये बेसिकली आइडेंटिफाई करता है द एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, मतलब पहले से ही वेरिएबल्स के बीच में यू नो रिलेशनशिप होता है, बट बाय यूजिंग द कोरिलेशनल स्टडीज हम सभी लोग उसको सिर्फ आइडेंटिफाई करते हैं, एंड दैट्स व्हाई कोरिलेशनल स्टडी ये एक नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, बिकॉज इसमें किसी भी प्रकार का एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता है, इसमें हम सिर्फ वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करते हैं डिस्क्राइब करते हैं दैट्स इट। बट एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स किया जा सकता है, बिकॉज अगर हमें वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करना है देन उसके लिए हमें टेस्टिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, एंड दैट्स वाई ये एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी है। बट को रिलेशनल स्टडी ये कोई भी प्रकार का एक्सपेरिमेंटल स्टडी है नहीं। सो योर करेक्ट आंसर ओवर हियर इज वन, दैट इज अप्लाइड रिसर्च। सो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड एग्जैक्टली मैंने आप सभी के साथ क्या डिस्कस किया है इस वीडियो में, बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछो।